जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो आज मुंबई और ओमान की टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला खेला गया, उसी के बारे में कि आखिरकार उस मैच में किस टीम ने जीत हासिल करी और कौन सी टीम को हार का सामना करना पड़ा, तो मैच से जुड़ी पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि मुंबई की टीम अभी ओमान में मौजूद है, जहां पर ओमान और मुंबई की टीम के बीच में 3 मैचों की T20 और 3 मैचों की ODI सीरीज का आगाज करवाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि मुंबई की टीम ने पहले T20 मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जहां पर ओमान की टीम भी मुंबई की टीम पर पूरी तरीके से हावी दिखाई दी। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि पहले T20 मुकाबले में मुंबई की टीम के कप्तान सिम्स मुलानी ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और उनका बल्लेबाजी करने का फैसला शायद उनकी टीम के लिए बिल्कुल सही साबित नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, दरअसल मुंबई की टीम ने 20 ओवर में अपने 9 विकेट गंवाकर 131 रन बनाए थे और जीतने के लिए ओमान की टीम को 132 रनों का लक्ष्य मिला। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि मुंबई की टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल मात्र 1 रन बनाकर ही आउट हुए, तो वहीं आकर्षित गुमेल ने अच्छी पारी खेली और उन्होंने 31 गेंदों में 33 रन बनाए। तो वहीं दोस्तों अमल खान मुंबई की टीम की तरफ से मात्र 13 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं अरमान जाफर भी 12 रन ही बना सके। और ऐसे में आप यहां पर स्कोर कार्ड देख सकते हो, हालांकि दोस्तों यहां पर टीम के कप्तान ने 19 रन की पारी खेली, तो वहीं हार्दिक तमूरे ने 23 रन बनाए, और इन्हीं की इस पारी की बदौलत मुंबई की टीम 131 रन बनाने में सफल हो सकी। हालांकि दोस्तों बात की जाए गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में ओमान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट चटकाए मोहम्मद नदीम ने। जी हां दोस्तों, इन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए 3 बड़ी सफलता हासिल की, और वहीं कलीमुल्ला ने भी 2 सफलता हासिल की और जिशान को भी 2 विकेट मिले। हालांकि दोस्तों जब 132 रनों के जवाब में ओमान की टीम मैदान पर उतरी तो ओमान की टीम का प्रदर्शन काफी ज्यादा शानदार रहा। जी हां दोस्तों, ओमान की टीम ने इस मुकाबले को 18.3 ओवर में ही अपने नाम कर लिया, जहां पर ओमान की टीम ने 133 रन अपने 8 विकेट खोकर ही बनाए। तो वहीं दोस्तों ओमान की तरफ से जिशान मकसूद ने 39 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, तो वहीं नसीम खुशी ने 40 रन बनाए और संदीप ने 11 रन की पारी खेली, और इन्हीं की इस पारी की बदौलत ओमान की टीम पहला T20 मुकाबला जीतने में सफल हो सकी। हालांकि दोस्तों मुंबई की टीम को भले ही इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम सभी समझ सकते हैं कि मुंबई की टीम ने जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से प्रैक्टिस नहीं की है, उसी की वजह से उनको हार का जरूर सामना करना पड़ा है। हालांकि दोस्तों दूसरे T20 मुकाबले में जरूर मुंबई की टीम वापसी करेगी। बाकी अब आपकी क्या राय है मुंबई की टीम के बारे में, आप मुंबई की टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।